नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टी सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम बैक। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ लेसन सेकंड, द हैंड साकी। इन प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन एंड आई टॉट यू प्रीवियस पैराग्राफ, सो प्लीज स्टूडेंट्स टेक आउट पेज नंबर 14 एंड फोकस ऑन लास्ट पैराग्राफ। Ghost, dear gnome. No one ever heard of a ghost being so very much alive and flourishing. All his life he has been accustomed to look on Queen Anne as the personification of everything that is dead and done. इस पैराग्राफ को पढ़ाना है, so please students अपने बुक पर फोकस रखिए। Do you mean he takes me for the ghost of Queen Anne? asked Jenny. Jenny ने पूछा कि क्या जो स्टरीज है नौकर है वो मुझे क्वीन एनी का घोस्ट समझता है? घोस्ट डियर नो, नहीं नहीं घोस्ट नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नो वन एवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट बी सो वेरी मच लाइव एंड फ्लरिसिंग ऑल हिज लाइफ ही हैज बीन अटेम्प्ट्स टू लुक ऑन क्वीन एनी एज द पर्सनिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग दैट इज डेड एंड डन। एनी तो मर चुकी है और आप तो जीती जागती सुंदर, बहुत ही सुंदर दिखती हैं। ऐसा नहीं है, आप घोष्ट नहीं दिखती हैं। एज डेड एज क्वीन एनी यू नो, और आपको पता है कि क्वीन एनी मर चुकी है और आप जीवित हैं। एंड नाउ ही हैज टू लिसन टू योर टक्स ऑफ द मैरी टाइम यू हैड एट द जगलिंग हॉर्स शो एंड नेचुरली ही फील्स दैट समथिंग इज वेरी रॉन्ग विथ यू। यानी कि क्लोविस बताता है कि नहीं, वो आपको घोष्ट नहीं समझता है क्योंकि आप घोष्ट तो मर चुकी है, एनी तो मर चुकी है, लेकिन आप जीती जाती एक ब्यूटीफुल वुमेन हो ऐसा नहीं है। बट ही वुड नॉट बी हॉस्टाइल टू मी ऑन दैट अकाउंट वुड बी वुड ही जेनी आस्क एनाउंसली। लेकिन बट ही वुड नॉट बी हॉस्टाइल, लेकिन उसने मेरे साथ वह चिंतित होकर पूछा, पूछी जैनी ने चिंतित होकर पूछा, बट ही वुड नॉट बी हॉस्टाइल टू मी ऑन दैट अकाउंट। लेकिन उसने मेरे साथ कोई भी शत्रुतापूर्ण बिहेव, क्या वो मेरे साथ कोई शत्रुतापूर्ण बिहेव करेगा? आई डिड नॉट गेट रियली अलार्म अबाउट इट टिल लंच टुडे सेड क्लॉविस। क्लॉविस ने कहा कि लंच तक आप आज आपको लंच तक भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। आई थॉट हिम ग्लोरी एट यू एंड मडरी ऑट टू बी डेड लॉन्ग एगो। मैं बहुत समय से यह देख रहा हूँ कि वह बुराई नज़रों से यानी क्रोधित नज़रों से आपकी तरफ देखता है और बड़बड़ाता है और टू बी डेड लॉन्ग एगो, और यह कहता है कि इसे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। दैट्स व्हाई आई मेंशन द मैटर टू यू। मैंने यह सब चीज़ें जो है आपके प्रति उसको करते हुए ध्यान दिया कि जब भी वो आपकी तरफ देखता है क्रोधित भरे नज़रों से देखता है और अपने आप में ये बड़बड़ाता है कि आपको बहुत पहले मर जाना चाहिए था, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको इन्फॉर्म करूँ। क्लोविस ने जेनी से बोला, दिस इज ऑफुल सेड जेनी। जेनी ने कहा कि यह बहुत ही भयभीत करने वाली बात है। योर मदर मस्ट बी टोल्ड अबाउट इट एट वंस, मुझे आपकी माँ से एक बार इस बारे में बताना चाहिए। माई मदर मस्ट नॉट हियर अ वर्ड अबाउट इट सेड क्लोविस अर्नेस्टली। क्लोविस ने दृढ़ता से कहा कि मेरी माँ स्टडीज के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगी। इट वुड अपसेट हर ग्रेटफुली, और वह पूरी तरह चिंतित हो जाएगी। सी रियलाइज ऑन स्टडीज फॉर एवरीथिंग, वह हर चीज के लिए स्टडीज पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। बट ही माइट किल मी एट एनी मोमेंट ट्रस्टेड मी। जेन ने विरोध करते हुए कहा कि वह मुझे कभी भी किसी भी क्षण, लेकिन वह मुझे कभी भी किसी भी क्षण मार सकता है। नॉट एट एनी मोमेंट, क्लोविस ने कहा कि नहीं, किसी भी क्षण नहीं मार सकता। ही इज बिजी विद द सिल्वर ऑल द आफ्टरनून, वह पूरी दोपहर नौकरों का, वहाँ नौकरों का कुछ काम होता था सिल्वर, तो वह बताता है कि वह पूरी दोपहर सिल्वर के कामों में व्यस्त रहता है। यू विल हैव टू कीप अ शार्प लुक आउट ऑल द टाइम एंड बी ऑन योर गार्ड, आपको अपनी तरफ से उस पर एक पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। सेड जेनी, क्लोविस ने जेनी से कहा कि आप अपनी तरफ से आपको
कलीज पर एक पहली नजर रखने की जरूरत है। वह किसी भी क्षण आपको नहीं मार सकता क्योंकि वो पूरी दोपहर अपने सिल्वर वर्क में बिजी रहता है। सेठ जी, इट्स अ ड्रेडफुल सिचुएशन टू बी विथ अ मेड बटलर अराउंड यू। जेनी ने कहा कि यह बहुत ही खतरनाक डरावना सिचुएशन है, बट आई एम सर्टेनली नॉट गोइंग टू कट माई डिसीजन। फिर भी मैं अपने छुट्टियों के दिन बिना काटे नहीं जाऊंगी। इट वॉज इन द हॉल द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर लेट ब्रेकफास्ट दैट रोबी हैड हिज फाइनल इंस्पिरेशन एज ही स्टूड रिमूविंग रस्ट स्पॉट्स फ्रॉम अ एंड ओल्ड फटी। उसके रोबी के इतना आइडियाज बनाने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, उसके जो आइडियाज थे उसे पानी पड़ गए थे। क्यों पानी पड़ गए थे? क्योंकि जेनी ने ये बोल दिया था कि वो अपनी छुट्टी बिताए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। अब जो है ये क्लोविस क्या करता है कि वो सुबह में उठ के ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने जो पटर, पटर मीन्स होता है कि एक गोल स्टिक होती है, ठीक है, उसको साफ करने में, उसके मोर्चे जंग को छुड़ाने में लग जाता है। वेयर इज मिस मार्लेट, ही आस्क्ड स्टडीज, उसने स्टडीज से पूछा कि वेयर इज मिस मार्लेट हु वाज एट दैट मोमेंट क्रॉसिंग द हॉल। जब स्टडीज हॉल से क्रॉस कर रहा था तभी उसने उससे पूछा कि मिस मार्लेट कहाँ। राइटिंग लेटर्स इन द मॉर्निंग रूम सर, सेड स्टडीज, स्टडीज ने कहा कि वह मॉर्निंग से ही अपने रूम में राइटिंग, लेटर राइटिंग कर रही है। सी वॉन्ट्स टू कॉपी द इंस्क्रिप्शन ऑन दैट ओल्ड बास्केट टर्न्ड सेवन, सेड क्लोविस। क्लोविस ने कहा कि वह जो सेवन मिनट्स होता है तलवार, जो तलवार दीवार पर लटकी हुई है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वह उसके उसके शब्दों को लिखना चाहती है, कॉपी करना चाहती है। सेट क्लोविस पॉइंटिंग टू हिज स्वॉर्ड हैंगिंग ऑन द वॉल, जो स्वॉर्ड, जो कटार, तलवार जो है जो कि दीवार से लटकी हुई है उसके ऊपर कुछ शब्द लिखे हैं जिनको स्मार्टलेट कॉपी करना चाहती है। आई विश यू वुड टेक इट टू हर, मेरी इच्छा है कि वह तलवार को उन्हें दे। क्लोविस के दिमाग में एक नई आइडिया ने जन्म लिया। उसने तुरंत ये स्टडीज से बोला कि जो स्मार्टलेट है वह दीवार पर टंगी हुई जो तलवार है उसके ऊपर जो शब्द है उसको कॉपी करना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो तलवार है उनको दे। माई हैंड्स ऑल ओवर इन ऑयल, मेरे जो हाथ है वह मोर्चे को, जो वो गोल स्टिक है उसको साफ करने में पूरी तरह ऑयल से भरे हुए हैं। टेक इट विदाउट द सिप, इट विल बी लेस ट्रबल। फिर उसने कहा कि जो तलवार है सिप मीन्स होता है म्यान, जो तलवार की जो स्वर्ड की कवर होती है जिसमें तलवार को रखा जाता है जिसे हम म्यान बोलते हैं उसे हम सिप बोलते हैं। तो उसको वो बोलता है स्टडीज से कि तुम इस तलवार को बिना कवर के उनके पास लेकर के जाओ। द बटलर ड्रीव द स्वॉर्ड एंड कैरीड इट इनटू द मॉर्निंग, फिर मॉर्निंग टाइम में जो बटलर है, नौकर है, वह उस तलवार को बिना म्यान के, बिना कवर के लेकर के मिस मार्टलेट के पास जाता होगा। देयर वॉज अ डोर नियर द राइटिंग टेबल लीडिंग टू अ बैक स्टेयर, यह वह डोर है जो राइटिंग टेबल के पीछे सीढ़ियों के पास बना हुआ है जिससे वो बटलर स्टडीज एंटर करता है। जेन मैनेज थ्रू इट विच सच लाइटिंग रैपिड, जेनी ने जो है उसको आते हुए देख लिया, उसने मतलब अचानक से जल्दी से उसको आते हुए जब देख लिया, दैट द बटलर डाउट वेदर सी हैड सीन हिम कम, और जब उसने उसे आते हुए देख लिया तो उसको उस पर संदेह हो गया और वहाँ से भागने लगे। हाफ एन आवर लेटर क्लोविस वॉज ड्राइविंग जेन मार्टलेट एंड हर हैस्टली पैक्ड लगेज टू द स्टेशन। हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद क्लोविस जो था वह जेन मार्टलेट के जो सामान होते हैं उसको जल्दी से पैक करके स्टेशन की तरफ लेकर उनको जाने लगा। यानी अब जो जेनी थी, मिस मार्टलेट थी, वो पूरी तरह से भयभीत हो चुकी थी बटलर को तलवार के साथ आते हुए देख कर। यानी अब जो क्लोविस का आइडिया था वो काम कर चुका है। मदर विल बी ऑफुली वेक्स व्हेन शी फाइंड्स यू हैव गॉन,
जब मेरी माँ को पता चलेगा कि आप चली गई हैं तो पूरी तरह परेशान हो जाएंगी। ही ऑब्जर्व टू द डिपार्चिंग गेस्ट बट आई विल मेक अप सम स्टोरी अबाउट एन अर्जेंट वायर हैविंग कॉल्ड यू अवे। लेकिन आपके जाने के बाद मैं कुछ स्टोरी बना दूंगा, आपके जाने की मैं कुछ कहानी बना के माँ के सामने बता दूंगा। नो नीड टू अलार्म हर अननेसेसरीली अबाउट स्टडी। माँ को अनावश्यक स्टडीज के बारे में बता करके परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। क्लोविस ने ये बात जेनिस स्लाइटली एट क्लोविस आइडिया ऑफ अननेसेसरी अलार्म। क्लोविस के अननेसेसरी अलार्म की बातें सुनकर यानी अनावश्यक परेशानी की बातें सुनकर जेनिसी को गुस्से से थोड़ा नाक मिरेकल लॉस्ट सम ऑफ इट्स यूजफुलनेस फ्रॉम द फैक्ट दैट डोरा रोड द सेम डे पोस्टपोनिंग द डेट ऑफ हर विजिट। एट एनी रेट क्लोविस होल्ड्स द रिकॉर्ड एज द ओनली ह्यूमन बीइंग हू एवर हॉस्टल्ड जेन गार्टलेट आउट ऑफ द टाइम टेबल ऑफ हर माइग्रेशन। लेकिन यहाँ पे एक सबसे मिरेकल चमत्कार की बात क्या हुई जिसके वजह से इतनी सारी आइडियाज की गई, जिसके वजह से क्लोविस ने मिस मार्टलेट को भगाने के लिए इतनी सारी आइडियाज बनाए, इतने सारे तरीके किए कि वो डोरा को और जेनी को दूसरे के आमने सामने नहीं लाना चाहते थे। एटलीस्ट जब वो मिस मार्टलेट जब जाने लगी थी तो उन्होंने अपने छुट्टियों के पोस्टपोनिंग की जो डेट है वह डोरा को लिख दिया था उन्होंने, और जिस वजह से क्लोविस ने इतने आइडियाज बनाए कि मिस मार्टलेट यहाँ से चली जाए और डोरा और मिस मार्टलेट कभी आमने सामने ना आए, एटलीस्ट वो हुआ ही नहीं। ये सारी आइडियाज जो थी वो क्लोविस की वो बेकार चली गई और जो जेनी थी वो पहले ही डोरा को अपने छुट्टियों के पोस्टपोनिंग की लेटर्स लिख चुकी थी। तो ये आपका जो स्टोरी है द हैंड साकी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टूडेंट्स वन मोर थिंग कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कुछ वन मिनट नोट आउट करने के लिए बोला था, आप लोगों ने किया भी बट आपने सेम जो बुक में दी हुई वर्ड मीनिंग्स है उसको कॉपी कर दिया या जो मैंने बोर्ड पे मेंशन कराया था आपने सेम थिंग कॉपी किया और वही होमवर्क चेक करा। मैंने आपको हार्डवर्ड फाइंड करने के लिए बोला है, जो हार्डवर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा इस चैप्टर से व्हाटएवर कोई भी हार्डवर्ड जो आपको प्रॉब्लम करती है जो आप नहीं जानते, जो आप जानते हैं वो नहीं, जो हार्डवर्ड आप नहीं जानते हो उसको आप कॉपी पे नोट डाउन करिए और उसे शो करिए। देन उस जो भी हार्डवर्ड आपको प्रॉब्लम करेगी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन करूँगी। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।